बॉलीवुड की अनसुनी कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टोरी विथ मी। पहले भाग में आपने देखा कि दिल्ली में जन्मी बेबी मुमताज कैसे बनी मधुबाला। अब आगे की कहानी। बेबी मुमताज को हीरोइन बनने का पहला मौका 1947 में केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में दिया। महज 14 साल की कमसिन मुमताज ने इस फिल्म में नीली आंखों वाले भोले भाले राज कपूर के साथ रोमांटिक रोल किया। फिल्म सुपरहिट हो गई और बेबी मुमताज को एक अभिनेत्री के रूप में पहचान मिली। बतौर अभिनेत्री उनका सीने कैरियर शुरू हो गया। अब वे हिंदी फिल्म जगत में मधुबाला के नाम से फेमस हो गईं। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। फिल्म स्क्रीन पर मधुबाला की बेइंतहा खूबसूरती को देखकर उनको इंडियन सिनेमा की सौंदर्य देवी कहा जाने लगा। 1947 से 1949 के बीच मधुबाला कई फिल्मों में नायिका बनकर आईं, जैसे चित्तौड़ विजय, दिल की रानी, मेरे भगवान, खूबसूरत इत्यादि। फिल्म पराई आग की शूटिंग के समय मशहूर लेखक कमाल अमरोही ने मधुबाला की अद्भुत खूबसूरती को पहली बार देखा और देखते ही उनके मन में एक नई कहानी ने जन्म लिया। बॉम्बे टॉकीज के बैनर के तले 1949 में बनने वाली फिल्म महल, जिसमें उस वक्त के कामयाब अभिनेता अशोक कुमार नायक थे, उसके लिए कमाल अमरोही ने मधुबाला को फिल्म की नायिका के रूप में साइन किया। इस फिल्म में वे एक माल्य की खूबसूरत बेटी के रूप में आईं, जो प्रेत आत्मा बनकर नायक अशोक कुमार को डराती है। रहस्य, रोमांच और मधुर संगीत से सजी यह फिल्म सुपरहिट हो गई। अशोक कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया गाना आएगा आने वाला बहुत हिट साबित हुआ। इस गीत ने मधुबाला और इस गीत की गायिका लता मंगेशकर दोनों को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। महल फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला को एक नई पहचान मिली। उनके कैरियर में स्टारडम की चमक आ गई। इसके बाद मधुबाला ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक आने वाली फिल्मों में मधुबाला अपना जलवा बिखेरते हुए सफलता और शोहरत की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। 1957 के बाद का दौर मधुबाला की जिंदगी में गोल्डन पीरियड लेकर आया। गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 में मधुबाला ने जब पर्दे पर गाया तो भारतीय दर्शक एक मीठी बयार के नशे में होश खो बैठे। फिल्म फागुन में भारत भूषण के साथ जब मधुबाला थिरकी एक परदेसी मेरा दिल ले गया। क्राइम फिल्म हावड़ा ब्रिज में एंग्लो इंडियन क्लब डांसर की भूमिका की। पानी में मधुबाला ने अपनी भोली भाली अदाओं के साथ देवानंद को रिझाया तो वे अभिनय के सारे किले फतह करती हुई प्रतीत हुईं। कुमार, किशोर कुमार और उनके छोटे भाई अनूप कुमार के साथ कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया। उज्जवल चमकीले पूर्णिमा के संपूर्ण चांद के रूप में तराशी हुई चंदन की मूर्ति सी, आकर्षक देहयष्टि, अनुपम सुंदरता और अनूठी अदाओं की मल्लिका मधुबाला के साथ जिन फिल्मी अभिनेताओं ने अभिनय किया वे जीवन भर उनके सम्मोहन से बाहर नहीं आ सके। मधुबाला का रेशमी व्यक्तित्व ऐसा था कि हर हीरो के साथ अभिनय का ताना बाना ऐसा बुन जाता कि उससे अलग करना मुश्किल हो जाता। मधुबाला ने ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार के साथ फिल्म तराना, संग दिल, अमर और मुगले आजम में शानदार जोड़ी बनाई। साथ ही साथ दिलीप कुमार के साथ
फिल्मी दुनिया की सबसे रोमांटिक लेकिन अधूरी प्रेम कहानी को भी जन्म दिया। सदाबहार और नटखट देवानंद के साथ मधुबाला की शरारतों ने दर्शकों का भरपूर प्यार पाया। फिल्म मधुबाला, निराला, नादान, अरमान, काला पानी, जाली नोट, शराबी में इस जोड़ी ने चंचलता और रोमांटिक गानों से उस समय के युवाओं पर जबरदस्त असर छोड़ा। फिल्म बादल से अभिनेता प्रेमनाथ मधुबाला की जिंदगी में आए और उनका पहला प्यार बनकर फिल्म साकी से लौट गए। अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ राजहट, शीरी फरहाद, यहूदी की लड़की, पुलिस, महलों के ख्वाब और पासपोर्ट जैसी फिल्में आईं। भारत भूषण के साथ फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, कल हमारा है और बरसात की रात में कपूर के साथ रेल का डब्बा, नकाब और बॉयफ्रेंड में मधुबाला पूरी शोखी और शान के साथ रुपहले पर्दे पर नजर आईं। चुलबुल शोक हसीना मधुबाला ने हरफन मौला गायक और अपने पति किशोर कुमार के साथ चलती का नाम गाड़ी, झुमरू और हाफ टिकट में दर्शकों को खूब ठहाके लगवाए। सुनील दत्त के साथ मधुबाला ने इंसान जाग उठा और अपने जीवन की अंतिम फिल्म ज्वाला में काम किया। ज्वाला, मधुबाला की अंतिम फिल्म ज्वाला, जो मधुबाला के निधन के बाद रिलीज हुई थी, को मिलाकर मधुबाला ने अपनी 36 साल की छोटी सी जिंदगी में 70 से अधिक फिल्में की। 1964 में देवानंद के साथ आई फिल्म शराबी मधुबाला की मृत्यु के ठीक 5 साल पहले यानी मधुबाला के जीवन काल में ही रिलीज होने वाली उनकी अंतिम फिल्म थी। मधुबाला ने 1953 में अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया जिसका नाम था मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड। मधुबाला ने 3 फिल्मों का निर्माण किया और उसमें अभिनय भी किया। ये फिल्म है नाता, महलों के ख्वाब और पठान। मधुबाला के मनमोहक सौंदर्य ने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम एक्टरों, डायरेक्टरों, प्रोड्यूसरों, सिंगरों की भी मीठी नींद चुरा कर उन्हें मधुर सपनों की सौगातें दी। मधुबाला को लोग नेचर ब्यूटी कहते थे। उन्हें खूबसूरत दिखने के लिए किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती थी। शूटिंग के वक्त वे बहुत हल्का मेकअप करती थीं। मधुबाला को उनकी सुंदरता के कारण ही बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो कहा जाने लगा। मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में होने लगे। अमेरिकी पत्रिका लाइफ जैसी कई विदेशी पत्रिकाओं ने उनकी खूबसूरत तस्वीरों को दिखाया। ऑस्कर अवार्ड विजेता महान निर्देशक फ्रैंक कैप्रा मधुबाला को हॉलीवुड ले जाना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिताजी ने इसकी इजाजत नहीं दी। विदेशी मीडिया ने मधुबाला को द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड कहा था। मधुबाला का पहला प्यार। वैलेंटाइन डे के दिन जन्मी बेहद रोमांटिक मधुबाला ने भारतीय सिनेमा में जब कदम रखा, तभी से उनकी खूबसूरती के चर्चे होने शुरू हो गए थे। बॉलीवुड के कई एक्टर और डायरेक्टर मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने थे। कौन था मधुबाला का पहला प्रेमी, जानने के लिए देखिए मधुबाला की अनसुनी कहानी भाग 3।